मतलब ये कि हम मंगनी पहले कर लेते, शादी और निकाह हम तब करेंगे जब हम उस पोजीशन में होंगे। जज्बाती मत बनो, देखो अभी तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, अगर मोहल्ले वालों ने देख लिया तो। मगर मैं और खामोश नहीं बैठ सकता, तुमने तो सारा मसला ही बिगाड़ दिया उस दिन चांद और सिकंदर के निकाह की बात करके। वक्त की नजाकत को देखकर कहा था मैंने, अब दोनों का निकाह थोड़ी हो रहा है यार। शिगुफ्ता आप इस बारे में क्या कहती हैं? आपने जब इस बारे में मुझसे बात की थी तो मैंने फरीहा से पूछा था। फरीहा सिकंदर की बहुत तारीफ कर रही थी और वैसे भी सिकंदर और चांद कई सालों से एक साथ इकट्ठे पढ़ रहे हैं और जानते हैं एक दूसरे को। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। तुमने उसे मंगनी के बारे में तो नहीं बताया ना? मैंने उसे तो नहीं बताया पर नौरीन जानती है। उसे नहीं पता चलना चाहिए यार। उसे क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारे और सिकंदर के बीच में रुकावट बन सकता है। वो इजहार से बहुत इम्प्रेस्ड है। मुझे लगता है अगर उसे पता चल गया कि इजहार मैं ही हूँ तो कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए और ये सिलसिला भी खत्म ना हो जाए। अरे यार मैं तो भूल ही गई, मैं तुम्हें कुछ बताने आई थी। क्या तुम्हें चांद के बारे में कुछ पता चला है? नहीं बताओ क्या हुआ? नौरीन तुम यहाँ खड़ी हो, मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी यार। क्यों भाई तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो? वो नौरीन तुम्हें सर रंजुम बुला रहे थे। चलो। अच्छा राहिल मैं बस अभी आती हूँ 2 मिनट में। ओके रुको चलो। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने। ऐसी क्या जरूरी बात थी फरिया जो तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो और वहाँ नहीं कर सकती थी? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुमने राहिल को चांद और सिकंदर की मंगनी के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? बताने ही वाली थी कि तुम आ गई। थैंक गॉड कि उसे कुछ पता नहीं चला। क्या मतलब है इस बात का? देखो नौरीन, राहिल को चांद और सिकंदर की मंगनी के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना वो ये मंगनी नहीं होने देगा यार। मगर ये उसके साथ ज्यादती है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि राहिल चांद से कितनी मोहब्बत करता है। क्या बात कर रही हो यार, चांद उसे पसंद नहीं करती और चांद का सिकंदर के साथ निकाह हो जाए वो उसके हक में बेहतर है। सिकंदर के पास है क्या? वो तो बेचारा खुद को नहीं संभाल सकता, उसको क्या संभालेगा? बात सुनो, चांद राहिल को पसंद नहीं करती है यार और वो अपनी मर्जी से ही सिकंदर से मंगनी कर रही है। अगर ऐसी बात होती ना फरिया तो चांद मुझसे खुद कहती कि राहिल को नहीं बताना। वो भूल गई, रास्ते में अभी मुझे मिली थी तो उसने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें बताऊँ। खैर तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? मुझे खोल के बताइए। बात करने से तो दिल का बोझ हल्का होता है। आप बिना तकल्लुफ मुझसे बात कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। हेलो जी चांद बोलिए। सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल नहीं। वैसे मेरा ख्याल है कि अब हमें तकल्लुफात छोड़ के दोस्तों की तरह बात करनी चाहिए। निसार साहब आपको याद है मैंने आपसे एक लड़के का जिक्र किया था रिश्ते के हवाले से? जी हाँ, वही लड़का ना जो आपके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता भी है, शायद सिकंदर नाम है उसका। जी सर मैं उसी की बात कर रही हूँ। सर मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि हम मंगनी कर रहे हैं। आवाज आ रही है ना? हेलो हेलो सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हेलो सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हेलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चांद तुम ये नहीं कर सकती, ये गलत है, ना इंसाफी है। मैं कभी ये नहीं होने दूंगा। अचानक इजहार साहब को हुआ क्या? हेलो, क्या हुआ सर? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, एकदम से तबीयत कुछ भारी सी हो रही है। मैं सर, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपको मेरी जरूरत है तो। नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा। प्यास ही मिली है, छाँव भी दिखी तो वो भी धूप की जली है। इश्क मन में वो अगन लगाए, तन की ओढ़नी से छुप नहीं पाए। याद में कोई उम्र बिताए, दिन कटे मगर रात न जाए। राहिल, क्या बात है? क्या हुआ है? धोखा दिया तुमने मुझे, झूठ बोला है मुझसे। बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या धोखा? कैसा धोखा यार? तुम क्या कह रहे हो? वहां चाँद और सिकंदर की शादी होने वाली, उनकी मंगनी हो रही है, और तुम मुझे झूठी तसल्लियां देती रही। चाँद और सिकंदर की मंगनी हो रही है? नहीं राहिल, तुम्हें जरूर गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बात याद रखना फरीहा, अगर उन दोनों का रिश्ता हुआ, अगर ये मंगनी हुई, तो तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं राहिल, यकीन करो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और तुम्हें किसने बताया? अरे मुझे चाँद के बारे में सब कुछ पता होता है। किसी भी तरह से मंगनी को रोकना है मुझे। ऐसा कैसे हो सकता है? चांद तो सिकंदर के साथ निकाह करने के लिए राजी ही नहीं थी। मैं झूठ नहीं बोल रही, यकीन करो मेरा कि मैं सच कह रही हूँ। राहिल, तुम रिलैक्स हो जाओ, हम कल इसका हल निकालते हैं। कल नहीं, अभी और इसी वक्त चलो चांद के पास। राहिल, अभी वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। देखो फरीहा, कुछ भी हमें अभी जाके चांद को समझाना पड़ेगा कि वो ये मंगनी नहीं कर सकती। राहिल प्लीज समझने की कोशिश करो, इस वक्त वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। अगर किसी मोहल्ले वाले ने देख लिया तो? देखो, तुम मुझ पर एतबार करो, मैं कल चांद से बात कर करना उसे मना करती हूँ। तुम पे क्या एतबार करूँ? कितनी बार तुम पे एतबार करूँ? क्या धोखे पे धोखा खाता रहो? अरे तुम सिर्फ बातें कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी राहिल, देखो अगर चांद ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं डैड से कह के ना इस रिश्ते के लिए मना करा दूंगी। अच्छा जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कहीं दूर चल कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ छोड़े, इतने करीब आए। सिकंदर तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हारा यूनिवर्सिटी में इंतजार कर रही हूं। ये सारे काम होते रहेंगे, तुम यूनिवर्सिटी पहुंचो बस। राहिल क्या हुआ? आने वाली होगी। जान दब फरिया को तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात है फरिया? मैं बताती हूँ। राहिल आई एम सो सॉरी, तुम जाओ मैं आती हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा। ओफो, समझने की कोशिश किया करो, बात बिगड़ जाएगी। प्लीज ट्रस्ट मी। फरिया तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? जल्दी करो यार। देखो राहिल के सामने ये बात नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे भेजा है। कौन सी बात? मैं बताती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो फरिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तरह रास्ता रोकने का मतलब? तुम्हारे दिमाग में जो खुशफहमी चल रही है ना, उसे अपने दिल दिमाग को साफ करो। मुझे लगता है राहिल तुम पागल होने के बहुत करीब हो। मुझे हमदर्दी है तुमसे। देखो चांद, राहिल ये समझता है कि मैं तुम्हें उसके लिए मना रही हूँ। मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि उसे ना पता चले कि मैंने राहिल की नहीं बल्कि सिकंदर के फेवर में बात की है। क्या मतलब है फरिया कि मैं तुम्हारी बातों की वजह से सिकंदर से मंगनी कर रही हूँ? राहिल को जाके कह दो जो मेरे लिए सही है मैं वही कर रही हूँ। ठीक है यार, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, यही कहना चाहिए, लेकिन राहिल को सिकंदर वाली बात नहीं पता चले। मंगनी खत्म करो। अच्छा चलो, अगर मैं मंगनी खत्म कर भी लेता हूँ, तुम्हें क्या लगता है चांद तुमसे मंगनी करेगी? ये मेरा और चांद का मसला। लास्ट टाइम तो तू चांद की वजह से बच गया, इस बार तुझे नहीं छोड़। तुमने कहा और मैंने सुन लिया, देखते हैं क्या होता है। मतलब तुम मेरे पास राहिल के कहने पर आई? नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उसे पता चला ना तो उसने मुझे फोर्स किया कि मैं तुम्हारे पास आऊँ, लेकिन मुझे जो सही लगा मैंने तुमसे वो ही कहा। और मैंने बातों बातों में उसे कह दिया कि मैं मनाऊंगी, लेकिन यार वो तो पीछे ही पड़ गया। वो होता कौन है मेरे मामला में मदाखलत करने वाला? चांद के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर चांद है तो सब कुछ, वरना कुछ भी। फरिया उसे जाके कहो कि उसने पेपर्स पे साइन किया। अगर उसने मेरे मामलात में मदाखलत करने की कोशिश भी की ना, तो पिछली बार तो वो छुट गया था, लेकिन इस बार उसे कोई नहीं छुड़ाने आएगा। मैं चलती हूँ। ये राहिल का मैं क्या करूं? कैसे समझाऊं उसे? शकील, शकील गाड़ी निकालो, मुझे बाहर जाना है। फरीहा? हेलो मम्मा, आप कहाँ हैं? आपको पता है गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ है? राहिल को मंगनी के बारे में पता चल गया और वो तो पागल हो रहा है। उससे सिचुएशन नहीं हैंडल हो पा रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जबरदस्ती मुझे चांद के पास ले आया कि मैं उससे बात करूं। और अब तो वो मेरे फोन का भी इंतजार कर रहा होगा कि मैं उसे कोई खुशखबरी सुनाने वाली हूं। इश्क ने माना, दर्द न जाने, इश्क ने माना, दर्द न जाने। फरीहा, ज्यादा परेशान मत, अपने होशो हवास पे काबू रखो। कोई भी झूठ बोल दो उसे ताकि तुम्हें थोड़ा सा वक्त मिल जाए। एक मिनट, राहिल कॉल कर रहा है, पता नहीं मैं उसे क्या जवाब दूंगी। आप फोन रखिए, मैं बाद में बात करती हूँ। ये तो छोटी मोटी चीजें भी इस लड़की को हैंडल करनी नहीं आती। हाँ राहिल। हेलो। हाँ, तुम्हारी बात हुई जान से? राहिल, दरअसल वो जल्दी में थी, उसे कहीं जाना था। मुझे कह रही थी कि वापस आकर बात करेगी। वो सिकंदर के साथ ही गई है ना? हाँ, ऐसा ही कुछ समझ लो। फरिया, मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारी वापसी पे मैं सिर्फ ये सुनना चाहता हूँ कि चांद ने अपना इरादा बदल दिया। ये सारा मसला तुमने बिगाड़ा और इसको ठीक भी अब तुम ही करोगी। तुम फिक्र मत करो यार, मैं सब ठीक कर दूंगी। बाय। चार चाय बना दो, बहुत थकी हूँ। हाँ, मैं बना देती हूँ। चांद, तुम्हारे दिल का पता नहीं, लेकिन मुझे ये सब कुछ ख्वाब लग रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो गई। अच्छा, तुम खुश हो ना चांद? हाँ, मैं खुश हूँ सिकंदर। चांद, मैं जानता हूँ कि हालात ने तुम्हें ये फैसला लेने पर मजबूर किया, लेकिन मैं वादा करता हूँ तुम्हारा और आयशा का जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। सिकंदर, राहिल का कोई एतबार नहीं, वो किसी भी वक्त कोई भी मसला खड़ा कर सकता है। हाँ यार, उसने तो आज मुझे क्या? उसने आज क्या? कुछ भी नहीं, तुम परेशान मत। मुझसे मत छुपाओ सिकंदर, जो भी बात है मुझे बताओ। धमकी दे रहा था मुझे, कह रहा था कि वो ये होने नहीं देगा। ठीक है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सब संभाल लूंगा। चलो जाओ, तुम जाके चाय ले आओ, मैं ये रख देता हूँ। हेलो चांद। चांद, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुमने मुझे कॉल की है। आई एम श्योर तुमने अपना फैसला बदल दिया होगा। क्या समझते हो तुम खुद को राहिल? क्या हो तुम? क्या हुआ चांद? तुमने सिकंदर को धमकी दी है कि तुम मंगनी में रुकावट डालोगे। हाँ, मैं भी इजाज भाई को कह देती हूँ, फिर देखती हूँ तुम्हें कौन छोड़वाएगा। चांद, तुम ये सब कुछ गलत कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम ये फैसला दिल से नहीं कर रही हो, तुम खुद नहीं चाहती हैं। क्या गलत है मेरे लिए और क्या सही है मुझे तुमसे नहीं जानना है राहिल। चांदा तुमसे रिक्वेस्ट कर, देखो प्लीज ये मंगनी मत करो। ये सब करने से तुमने मुझे मजबूर किया है राहिल। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मजबूरी में जल्दबाजी में करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो ना, तो तुम्हें इस मोहब्बत की कसम है राहिल, मेरी मंगनी में रुकावट मत डाल। ये तुम क्या कर रही हो? तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो मेरी खुशी में रुकावट मत डालना, वरना आज के बाद अपनी झूठी मोहब्बत के दावे भी मत करना। हेलो, सर मैंने आपको ये बताने के लिए फोन किया है कि हम मांगने कर रहे हैं। ये सब करने से तुमने मुझे मजबूर किया है राहिल। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला मजबूरी में जल्दबाजी में करना पड़ रहा है तुम्हारी वजह से। ट्रस्ट मी राहिल, देखो अगर चांद ने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं डैड से कह के ना इस रिश्ते के लिए मना करा दूंगी। तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते हो ना, तो तुम्हें इस मोहब्बत की कसम है राहिल, मेरी मंगनी में रुकावट मत डाल। अगर तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ना, तो मेरी खुशी में रुकावट मत डालना, अगर आपकी इजाज़त हो बहन तो नेक काम शुरू किया जाए। जी भाई साहब, अब आप सिकंदर के बड़े हैं। अरे नहीं नहीं, आपकी इजाज़त बहुत ज़रूरी है, आप सिकंदर की बड़ी हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। अरे राहिल, आओ आओ आओ। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक। बहन आपको भी मुबारक। खैर अरे मिठाई नहीं है क्या? कोई नहीं लाया? लेके आओ। जा जा जल्दी लेके आओ शायद। बेटा ले भी आओ। अरे हाँ राहिल को खिलाओ। जान तुम इस तरह क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम बार बार मुझे क्यों जलील करती हो? जब जानती हो कि मेरा जज्बा तुम्हारे लिए सच्चा, तो क्यों टकराती हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? जान रहम करो मुझ पर। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं नौरीन, इस तरह इतनी आसानी से तो अपनी मोहब्बत को नहीं हार सकता हूँ। अगर कोई रास्ता नहीं है तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा। तो तुम ये कह रही हो कि राहिल ने दोबारा अपनी वही हरकतें शुरू कर दी हैं? जी खाला, अब वो पहले की तरह ना मेरी कॉल्स पिक करता है और ना ही मेरी बात होती है उससे। आज 4 दिन हो गए हैं खाला, घर भी नहीं आया और पता नहीं कब आता है और कब जाता है, उसके टाइम का भी कुछ पता नहीं। पता है ये मंगनी होनी ही नहीं चाहिए थी, डायरेक्ट शादी होनी चाहिए थी, निकाह होना चाहिए था। मंगनी तो कभी भी टूट सकती है। मैंने बहुत कोशिश की कि निकाह हो जाए, लेकिन चांद को पहले मंगनी ही करनी थी। कह रही थी कि जब तक जॉब नहीं मिलेगी निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। हमें कोई और प्लान करना होगा। लेकिन क्या खाला? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोनों जल्दी शादी कर लें। तुम उनके नेबर में से किसी की हेल्प ले सकती हो ना? वो कौन सी औरत थी जिसको तुमने पहले यूज किया था? उसी को दोबारा यूज करो ना। नहीं खाला, अब ऐसा करना ठीक नहीं होगा। क्यों? क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि चांद को मुझ पर पहले ही शक हो गया था और अब राहिल भी मुझ पर भरोसा नहीं करता। ऐसा ना हो कि राहिल को पाने के चक्कर में मैं उसे खो दूं खाला। अब कुछ नया सोचना पड़ेगा। चांद, चांद मेरी बात, अपना फैसला बता दो। ये फैसला तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। तो के लिए यहाँ से चले जाओ, अपना शोर में जाके मोहल्ले वालों को जमा कर लूंगी। तुम कुछ भी कर लो। चांद मेरी बात सुनो, अगर चांद तुम इस रिश्ते में रुल जाओगी, वो सिकंदर तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय तंगदस्ती के। तुम अपने बारे में नहीं तो कम अज कम वो आयशा के बारे में तो सोचो। तो तुम इस तरह नहीं मांगोगे। मैं अभी जाज भाई को फोन करके तुम्हारी शिकायत करती हूँ कि तुम फिर से मुझे परेशान कर रहे हो। चांद तुम इस तरह क्यों कर रही हो मेरे साथ? तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूं, तुम बार बार मुझे क्यों जलील करती हो? जब जानती हो कि मेरा जज्बा तुम्हारे लिए सच्चा, तो क्यों टकराती हो तुम? क्यों कर रही हो मेरे साथ ये सब? जान, रहम करो मुझ पर। यकीन करो इस पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ तुम सिर्फ एक बार आजमा के देखो मुझे। मैं मानता हूँ मेरा तरीका कार गलत, बहुत सारी गलतियां हुई मुझसे, लेकिन कि मैंने जानबूझ के कभी कुछ नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंचे। मैं एतबार कर, चले जाओ यहां से। क्या बोल रहा था ये? छोड़ो सिकंदर, उसे तो अपनी इज्जत की नहीं पड़ी पर हमें तो अपनी इज्जत की परवाह है ना। छोड़ो, यहाँ पे लोग तमाशा बना रहे। मगर चांद, उसकी मदाखलत अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। कीचड़ में हाथ डालने से कीचड़ को कुछ नहीं होता सिकंदर, हाथ अपने ही गंदे होते। चलो यहाँ से। राहिल, चल कहीं दूर जाए, खुद को ही ढूंढ लाए, सांस भी साथ। राहिल, खुद को संभालो, ये ठीक नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो। राहिल, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी कंडीशन, लेकिन अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सिर्फ मंगनी तो हुई है यार, और मंगनी तो टूट भी सकती है, लेकिन मुझसे ये तुम्हारी हालत नहीं देखी जा रही। थोड़ा सा तो हिम्मत से काम लो यार। शट अप, अपनी बकवास बंद करो। तुम नाकाम हो गई, तुमने सिर्फ मुझे बेवकूफ बनाया। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मैंने तुम पे भरोसा करके की। राहिल, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं आखिरी सांस तक अपना वादा निभाऊंगी। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मेरा यकीन तो करो, ये सब कुछ अचानक हुआ है। कहाँ जा रहे हो राहिल? मैं जहाँ भी जाऊँ तुमसे मतलब। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। कोई जरूरत नहीं राहिल, जरूरत है। इस वक्त तुम्हें एक मुखलिस दोस्त की जरूरत है। फरिया, मुझे इस वक्त सिर्फ तन्हाई की जरूरत है। ऐसी हालत में तन्हा रहना सही नहीं है राहिल। जज्बात में इंसान कुछ भी कर सकता है। देखो, तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा मैं कुछ नहीं करूंगा। I just want to be alone for a while. मैं जानती हूँ जार साहब, ना कभी आप मुझसे मिल पाएंगे और ना ही मैं। दीवारों से बातें कर करके थक चुकी। पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि शायद आपसे बात करूंगी तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। हेलो, कैसे हो राहिल? तुम्हारा क्या ख्याल है, कैसा हो सकता हूँ? अब दोनों की मंगनी हो चुकी है राहिल, प्लीज तुम चांद को भूलने की कोशिश करो। फरीन, अगर ये कर सकता तो फिर बहुत पहले ही कर चुका होता। उसको भूल जाना ही तुम्हारे हक में बेहतर होगा, नहीं तो सिवाय बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। नौरीन, प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मैं बिल्कुल हिम्मत हार रहा हूं। मैं सिवाय हमदर्दी के तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती राहिल, प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, तुम क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? अरे लेकिन मेरे लिए चांद से बढ़कर कोई नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है राहिल, या तो चांद को टूटा हुआ ख्वाब समझकर भूल जाओ, या फिर उसकी याद में मजनू बनकर घूमते रहो। क्या मैं उसे बता दूं कि मैं ही इजहार हूँ? इससे क्या फायदा होगा राहिल? वो इजहार से बहुत इम्प्रेस है, उसकी बहुत इज्जत करती है। शायद मेरा वो रूप जान के उसके दिल में जगह बना सकूं, उसको हमदर्दी हो मुझसे। क्या मैं बता दूं उसे कि इजहार मैं ही हूँ? राहिल, मैं ये मशवरा तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती, क्योंकि इसके मस्बत पहलू भी और मनफी भी। क्या मतलब? या तो वो तुम्हारी मोहब्बत को कबूल करेगी या फिर मजीद रिएक्ट करेगी, और फिर ये भी हो सकता है कि वो हमेशा के लिए तुमसे यानी इजहार से बात करना छोड़ दे। इसका मतलब मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इस बात को तुम जितना जल्दी समझ जाओ तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। नहीं नौरी, इस तरह इतनी आसानी से तो अपनी मोहब्बत को नहीं हार सकता हूँ। अगर कोई रास्ता नहीं है तो रास्ता मैं खुद बना लूंगा, चाहे कुछ हो जाए। अपनी मोहब्बत को खुद से दूर होते हुए नहीं देख सकता। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही बात करोगे। देखो राहिल, जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना कि बाद में पछताना पड़े। अरे तुम और फरीहा मुझे क्या समझते हो? मैं दोनों की शादी कभी नहीं होने दूंगा। मैं हिम्मत नहीं हारूं। ये दुनिया वाले मुझे जान से जितना भी दूर करने की कोशिश कर ले, मैं जान को छीन लूंगा सबसे। इश्क ने माना दर्द न जाने, इश्क ने माना दर्द न जाने, दर्द न जाने, दर्द न जाने। इश्क बल्ला थोड़ा थोड़ा चला, इश्क बल्ला थोड़ा थोड़ा चला। राहिल ने चांद को किडनैप कर लिया। मुझे रात से पहले चांद बाइज्जत जिंदा सलामत चाहिए, समझे तुम? जैसे तुम निकाहनामा पे दस्तखत करोगी उसके बाद तुम कहीं भी जाने के लिए आ सकते हो। तुम्हारा ये ख्वाब मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी राहिल। तुमसे निकाह करने से बेहतर है कि मैं मौत को तरजीह दूं। मेरे जीते जी मैं तुम्हारा नाम किसी और से मंसूब होने नहीं दूंगा, उसके ऊपर मैं मौत को तरजीह दूंगा। खुद भी मर जाऊंगा और तुम्हें भी मार दूंगा।